हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ एक फिट का टैंक है, इसका सेटअप कैसे करते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा और दिखाऊंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, हमने अभी टैंक बनाया था कल और उसका जो सपोर्टिंग के लिए हमने जो टेप लगाया था उसको हम अभी निकाल रहे हैं और उसको पूरी तरीके से हर तरफ से निकालना चाहिए। देखिए, ऊपर की तरफ का टेप हमने निकाल लिया है और अभी साइड में का भी निकालेंगे टेप। और हम अभी ये टैंक में आपको सेटअप करके दिखाएंगे। खाली उसमें हम अभी फिश ऐड नहीं करेंगे, वाटर ऐड नहीं करेंगे, हम खाली आपको टैंक कैसे बनाता है वो दिखाएंगे। देखिए, नीचे की तरफ के भी हमने चिकट टेप निकाल ली है और देखिए, हम अभी इसको पूरी तरह से अच्छी तरीके से वॉश करेंगे और उसको जो भी हमारा एक्स्ट्रा सिलिकॉन ग्लास पर लगा है उसे हमें ब्लेड की मदद से निकालना है। देखिए, अब हम इसमें ये पोस्टर लगाने वाले हैं। पोस्टर हमने कट करके ले लिया है और अभी ये बाजू का पोस्टर हम लगाएंगे। अभी इस पर हम सिलिकॉन लगाकर पोस्टर लगाएंगे। सिलिकॉन लगाना और उसे अच्छे तरीके से ग्लास पर फैलाना चाहिए जिससे वो पोस्टर निकलेगा नहीं, अच्छे तरीके से चिपकेगा। तो देखिए, थोड़ा एक्स्ट्रा रह गया पोस्टर, उसे हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद देखिए, हमारा टैंक अभी रेडी हो चुका है। अब हम टैंक का कवर बनाने वाले हैं। देखिए, हमने वो कवर उस पर रख दिया है, इसी तरीके से वो आगे से खुलता है जिससे कि आप उसमें फूड डाल सकें मछलियों के लिए। और देखिए, ये उसके आगे हम डेकोरेशन करने वाले हैं। देखिए, अभी इसको हम टॉप के साथ स्क्रू से फिट करने वाले हैं। ये स्क्रू है, यहाँ पर दो ही स्क्रू की ज़रूरत लगेंगी और ये हैंड ड्रिल है, इससे हम टॉप के अंदर छेद करेंगे और जिससे कि हमें स्क्रू लगाने आसानी होगी। देखिए, हमने उसमें छेद कर दिए है, अभी हमने उसको स्क्रू लगा दिए है। देखिए कितना बढ़िया टैंक हमारा तैयार हुआ है और हमने साइड से ब्लैक बॉर्डर लगाई है रेडियम की, देखिए, जिसके वजह से हमारा टैंक बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, हमने अभी उसमें जेमस्टोन ऐड कर दिए, बहुत ही कलरफुल जेमस्टोन है, अच्छे क्वालिटी के जेमस्टोन है। और उसमें हम ये प्लांट लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसा लुक आता है। देखिए, बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है। साथ में अब हम उसमें लाइट भी लगाएंगे, कलर चेंजेबल एलईडी लाइट है, पिंक ब्लू वाइट ऐसा कलर चेंज होता है। देखिए, कलर चेंज करने से पूरा सेटअप ही चेंज हो जाता है। देखिए, बहुत ही बढ़िया लग रहा है सेटअप। अभी हमें इसमें फिल्टर, ऑक्सीजन और मछली ऐड करनी है। देखिए, बहुत ही बढ़िया सेटअप हो चुका है, बहुत ही कलरफुल लग रहा है। आपकी चॉइस के हिसाब से आप अलग अलग टाइप की सैंड ऐड कर सकते हैं, शुगर सैंड भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए, हमने इसमें एक टॉय और प्लांट लगा दिया, अभी और भी अच्छा लुक आ रहा है।